गंगापुर शहर के वार्ड नम 49 एवं 50 में हुई फोगिंग। गंगापुर सिटी नगर परिषद सभापति शिवरतन अग्रवाल ने बताया कि डेंगू के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए नगर परिषद गंगापुर शहर के सभी वार्डों में फोगिंग के निर्देश दे रखे हैं। का डेंगू जैसी बीमारी से बचने के लिए फोगिंग कराई जा रही है। डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे डेंगू के मरीजों की प्लेट कम होने के कारण अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। अस्पतालों में भी सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा प्रत्येक वार्ड में फोगिंग कराने के लिए नगर परिषद नवीन कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर वार्डो में फोगिंग कराई जा रही है। शनिवार को वार्ड नम 49 एवं 50 के अंदर फोगिंग करवाई गयी। इसके साथ ही सफाई का कार्य भी निरंतर चल रहा है। सभापति ने प्रत्येक दिन फोगिंग करने के लिए कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं। नालियों में DDT पाउडर के छिड़काव के लिए आदेशित किया है, जिससे शहरवासियों को डेंगू की बीमारी से निजात मिल सके और शहरवासी स्वस्थ रहे। डेंगू जैसी बीमारी से आम नागरिक परेशान है, इससे बचने के लिए शहरवासी अपने घरों के आसपास गंदा पानी एकत्रित न होने दे, साथ अपने घर की नालियों में काला आयल डाले, जिससे मच्छर न पनप सके, अपने आसपास सफाई रखें।